कस्बा उघैती की तीन बहनों ने एक साथ दरोगा बनकर परिवार का ही नहीं जिले का भी नाम रोशन कर दिया। किसान के घर पर जन्म लेने वाली इन तीनों बेटियों ने दरोगा की परीक्षा को एक साथ उत्तीर्ण किया है। इसके बाद तीनों चयनित हुई। एक साथ तीनों बेटियों का चयन होने पर घर में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि कस्बा उघैती निवासी संजीव गुप्ता पेशे से किसान है। उनकी तीन बेटियां शिखा, शिल्पी और शैली है। इसी के साथ उनके एक बेटा भी है जिसका नाम अभिषेक है। संजीव ने अपने सभी बच्चों को अच्छी तालीम दी। बताया जाता है कि संजीव की पत्नी रीना गुप्ता ने कभी बेटियों से घर का काम नहीं करवाया। तीनों बहनों ने माधवराम इंटर कॉलेज उघैती से ही इंटर की परीक्षा पास की। इसके बाद चंदौसी से बीएससी और बरेली से एमएससी किया। इसके बाद तीनों ने पुलिस भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। शिखा और शैली ने 2018 में सिपाही भर्ती की परीक्षा पास की। 2020 में वो पुलिस में तैनात हुई। शिखा मुरादाबाद और शैली लखनऊ में कार्यरत है। तीसरी बहन शिल्पी अहमदाबाद में रेलवे में क्लर्क है। तीनों बहनों ने नौकरी मिलने के बाद भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। दरोगा भर्ती पर तीनों बहनों ने फिर से एक साथ आवेदन किया। ड्यूटी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई की और परीक्षा दी। इस पढ़ाई और परीक्षा का परिणाम उन्हें जून के माह में मिल गया। तीनों बहनों ने एक साथ दरोगा भर्ती की परीक्षा को पास किया। उनकी मेडिकल की प्रक्रिया भी हो गई। इसी बीच परिवार में हर्ष का विषय बना हुआ है कि तीनों बहनें जल्द ही एक साथ प्रशिक्षण लेने के लिए जाएंगी। वहीं संजीव का बेटा अभिषेक चंदौसी से बीटेक कर रहा है। वो भी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा हुआ है। परिवार और अन्य लोग बताते हैं कि अभिषेक भी पढ़ाई में काफी अच्छा है और वो भी एक दिन पिता का नाम रोशन जरूर करेगा।